अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बच्चों के पसंदीदा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक ब्रेड हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप इसे अपने किचन में भी अपने बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से और झटपट से बना सकोगे। तो चलिए हम बनाते हैं गार्लिक ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उसके साथ ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून मैंने ली हूँ बटर, रूम टेम्परेचर पे है, सॉफ्ट है बटर। उसके साथ ही 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ही मैंने ली हूँ ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून शक्कर लेंगे हम और 1 टेबल स्पून मैंने चॉप गार्लिक, लहसुन को बारीक जो है चॉप कर लिया है, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो। और उसके साथ हरा धनिया 1 टेबल स्पून है, इसे भी बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये बटर को मैंने पहले ही निकाल दी थी फ्रिज से, तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब बटर मैंने ली हूँ 2 बड़े चमचे भर के, उसमें हमने डाल दिए 1 चमचा लहसुन, 1/2 छोटा चमचा ओरिगेनो या मिक्स हब डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी शक्कर और ये रही हमारा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। जब कभी आपके बच्चों को भूख लगे या आपको झटपट से कोई स्नैक्स बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बच्चे इसे पसंद करेंगे और बार बार आपको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये देखिए, झटपट से हमारा जो बटर था ये पूरा मिक्स हो गया। चलिए अब हम ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो ये रहे हमारे ब्रेड। तो अभी ब्रेड की जो है हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और इस कॉर्नर्स को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि ब्रेड क्रम में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फ्रिज में इसे रख कर बाद में हम मिक्सी के जार में डाल के इसे हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, तो ये ब्रेड क्रम बन जाएगा। मैं ब्रेड के सिर्फ 2 साइड जो है निकाल रही हूँ, जो ब्राउन हिस्से हैं ये देखिए, सिर्फ ये और ये। इस तरह से तमाम ब्रेड के हम साइड्स निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और मेरा ब्रेड का स्लाइस जो है काफ़ी बड़ा है, ये बड़े ब्रेड का पैकेट है ये, इसीलिए इसका स्लाइस भी बड़ा है। तो अब ये देखिए, अब इस ब्रेड के स्लाइस को हम कट कर लेंगे। अगर आपका स्लाइस ब्रेड का छोटा हो तो आप उसे 3 पीस में कट करें या 2 पीस में, लेकिन मैं यहाँ पे इसे 4 पीस में कट कर रही हूँ क्योंकि गार्लिक ब्रेड कुछ इसी तरह का उसका लुक होता है। तो बस इसके प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह हमने इसे कट कर लिया, 1 ब्रेड के 4 पीस कर रही हूँ मैं। ये देखिए, बस इस तरह से चारों स्लाइस को हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम इसके फिलिंग लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो तैयार है, ये बिल्कुल अच्छे से बटर की। तो अब इसे हम अप्लाई करेंगे ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के स्लाइस जो हमने कट करे हैं। तो ये देखिए, इस स्लाइस के ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे, बिल्कुल अच्छे से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसमें हमने लहसुन जो मिला है वो इसका मेन इन्ग्रीडियंट्स है। लहसुन को आप ज़रूर डालें बारीक चॉप करके 1 टेबल स्पून भर के। तो ये देखिए, इस तरह से हम तमाम स्लाइस के ऊपर ये लगा देंगे। और साथ में मैंने जो है पैन गर्म करने रख दी हूँ तवा। तो ये देखिए, तमाम स्लाइसेस पे हम इस तरह से लगा लेंगे। अब चलिए चलते हैं कुछ तवे की तरफ। तो ये देखिए, तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर डालकर बिल्कुल अच्छे से इसे स्प्रेड कर दिया था बटर को। अब ये हम अपने गार्लिक ब्रेड्स को डाल देंगे और फ्लेम को हम जो है स्लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया। अब ये स्लो पे मैंने देखिए इसे सेक लिया, कितने अच्छा इसका रंग आया है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। और फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, नहीं तो इसमें जो शक्कर है वो जलने लगेगी। तो इस तरह स्लो कर देंगे हम। और आप चाहें तो इसे इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर मैं इसमें थोड़ा सा और बटर लगा रही हूँ ताकि ये और टेस्टी हो जाए। हल्का सा बटर लगाएंगे। ये देखिए, बटर लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो
तो ये मैंने बटर लगा दिया इसके ऊपर, ये देखिए बस काफ़ी है इतना। अब इसे हम फ्लिप कर देंगे, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारे गार्लिक ब्रेड तैयार हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए और इसी तरह स्लो फ्लेम पर ही रहने देंगे, तो ये बिल्कुल नीचे से इसका बेस जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा गार्लिक ब्रेड की तरह। तो देखा आपने कितने मज़े के ये नज़र आ रहे हैं देखने में, तो खाने में कितने लाजवाब होंगे। ये देखिए इसका पीछे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा गोल्डन सा रंग आया है, ये देखिए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी तैयार हो गए हमारे। अब इसे हम मायो की डिप के साथ सर्व करेंगे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। तो ये लीजिए तैयार है हमारे गार्लिक ब्रेड मायोनीस, और उसके साथ 2 चमचे मायोनीस और 1 चमचे टमाटो केचप डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारी डिप तैयार होगी झटपट से, और खाने में तो उसका जवाब ही नहीं। तो फिर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।